एवरीवन इस वीडियो में हम क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे हिंदी में कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन उसके पहले हम स्क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि इसी के बाद ही क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था जैसे ही कांग्रेस ने इस मिशन को रिजेक्ट किया उसके बाद ही क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ अब देखते हैं इसके पीछे पर्पज क्या था स्क्रिप्ट मिशन को लाया किस लिए गया था क्योंकि इसके पीछे तीन रीज़न था फर्स्ट रीज़न ये था कि उस टाइम पे जो ब्रिटेन था उसे काफ़ी लॉस हो रहा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में और जो जापान थी जापान मतलब कि जो एक्सेस पावर की का ग्रुप था उसके अंदर जापान भी था तो उनका थ्रेट हमेशा बना हुआ था कि वो इंडिया को इन्वेड कर सकते हैं मतलब कि इंडिया पर आक्रमण कर सकते हैं और इंडिया को अपने काबू में ला सकते हैं तो इससे क्या होता कि ब्रिटेन से इंडिया जो है वो छिन जाता तो इस चीज़ का डर बना हुआ था इसलिए ब्रिटेन को इंडिया का सपोर्ट जो था वो चाहिए था उसके बाद सेकेंड रीज़न ये था कि ब्रिटेन वॉज प्रेसराइज बाय द एलीज मतलब कि जो एलिस ग्रुप था यूएसए, यूएसएसआर और चाइना इनका प्रेशर बना हुआ था ब्रिटेन पे कि वो इंडिया का कॉपरेशन हासिल करें मतलब कि इंडिया वालों को मनाएं कि वो इस वर्ल्ड वॉर में उनका साथ दें उसके बाद तीसरा रीज़न था कि इंडियन नेशनलिस्ट जो थे वो इस बात पे एग्री हो गए थे कि अगर उन्हें इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ पावर और कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी तो इस वॉर में वो कॉपरेट करेंगे और इस वॉर में वो ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे इसके बाद देखते हैं प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन फर्स्ट पॉइंट था डोमिनियन स्टेटस इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा उसके बाद था कि कॉन्स्टेंट असेंबली फॉर्म की जाएगी ये ऑगस्ट ऑफर का ही मॉडिफाइड फॉर्म था तो इसके जो पॉइंट्स हैं ये उसी तरह से सिमिलर ही हैं कि इंडिया गेट में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्म की जाएगी जिसमें जो मेंबर्स रहेंगे वो मिलकर लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण करेंगे उसके बाद था कि अगर कोई प्रोविंस नहीं चाहती है इस इंडियन डोमिनियन में शामिल होना तो वो एक अपना सेपरेट यूनियन फॉर्म कर सकती हैं और वो अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉर्म कर सकती हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था ट्रांसफ़र ऑफ पावर एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ ठीक है कि मतलब कि माइनॉरिटीज़ को भी पावर रहेगी उनके पास उनको कभी कंसेंट लेना ज़रूरी रहेगा उसके बाद था कि जैसे ये जो इंडिया अनटिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स मतलब कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता इंडिया का डिफेंस वुड बी कंट्रोल बाय द ब्रिटिश मतलब यहाँ का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा और जो पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल वुड बी रिमेन अनअल्टर मतलब कि जो गवर्नर जनरल के भी पावर है गवर्नर जनरल की पोस्ट है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता तब तक ये एज इट इज़ रहेगी इसमें कोई चेंज नहीं है अब देखते हैं ये क्रिप्स मिशन जो है वो फेल किस लिए हुआ इसे कांग्रेस ने मुस्लिम लीग ने और अदर इंडियन ग्रुप्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया इसे रिजेक्ट करने के पीछे कुछ रीजंस थे सबसे पहला रीज़न तो ये था कि इसमें कहा गया था कि अगर कोई रियासत अगर कोई प्रोविंस नहीं चाहती कि वो इंडियन यूनियन में रहे तो वो एक अपना सेपरेट यूनियन बना सकती है और वो अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉर्म कर सकती है तो इससे इन्हें लगा कि इंडिया अभी आज़ाद होने के पहले ही क्या हो जा रहा है इसमें पार्टीशन हो जा रहा है वो पहले से ही डिवाइड हो जा रहा है इस तरह से तो ये नहीं होना चाहिए इसलिए इसका जो रिजेक्शन का मेन रीज़न था वो ये था उसके बाद जो सिख थे उन्होंने भी ऑब्जेक्ट किया इसमें क्योंकि वो वो नहीं चाहते थे कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान के हाथों चला जाए क्योंकि जो ये पाकिस्तान है मुस्लिम लीग वाले हैं ये शुरू से ही एक अलग कंट्री चाहते थे पाकिस्तान बनाना चाहते थे उसके बाद जो डिप्रेस क्लासेस थे उन्होंने भी इसमें ऑब्जेक्शन दिखाया क्योंकि वो सोच रहे थे कि इससे कहीं डोमिनेटेड बाय अपर कास्ट हिंदू कहीं अपर कास्ट वाले उन्हें डोमिनेट ना करें तो इस तरह से ये सारे रीज़न्स थे कि जिससे कि क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हुआ आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन जैसे ये मिशन फेल हुआ इसे इंडियंस ने रिजेक्ट किया तो क्रिप्स जो थे वो वापस इंग्लैंड लौट गए और उस टाइम पे गांधी जी ने एक मास मोमेंट स्टार्ट कर दिया जिसका नाम था क्विट इंडिया मोमेंट इन अगस्त नाइनटीन क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं जिसे हिंदी में भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है इस मूवमेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा स्टार्ट किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी अब इसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं जैसा कि हम पढ़ चुके हैं क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो चुका था इसे कांग्रेस ने और जितने भी इंडियंस हैं सब ने रिजेक्ट कर दिया था तो जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे वो वापस ब्रिटेन लौट गए इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो बिल्कुल रेडी नहीं थी इंडिया को पावर देने के लिए वो बिल्कुल किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना नहीं चाहती थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ये इंडियंस को बिल्कुल पता चल चुका था तो इस समय क्या हुआ द सिचुएशन इन द फ्रंट ऑफ इंडियन मतलब कि इंडियंस के सामने ये सिचुएशन आ गई थी पहला सिचुएशन ये था कि ये जब मिशन फेल हो गया तो इंडिया जो है वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इनके लिए कुछ पॉजिटिव करेंगे दूसरा ये था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में प्रेजेंट रही तो इससे जापान के अटैक करने का जो खतरा है वो ज़्यादा होगा इससे जो खतरा है जापान आर्मी का वो ज़्यादा बढ़ जाता है अगर जापान जो है वो इंडिया पर अटैक करता है तो इससे सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं इनफैक्ट इंडिया भी काफ़ी अफेक्ट होगा इंडिया को भी काफ़ी लॉस होगा क्योंकि ब्रिटेन और जापान वो अपोजिट ग्रुप्स में थे इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इस वजह से क्या होता है इंडिया की इकोनॉमी जो है वो भी काफ़ी अफेक्ट हो रही थी इंडिया की इकोनॉमी भी धीरे धीरे बिल्कुल डाउन जा रही थी इसके बाद ही क्विट इंडिया रिज़ोल्यूशन जो है वो पास हुआ अब देखते हैं ये क्विट इंडिया रिजोल्यूशन क्या था गांधी जी को ये लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में प्रेजेंट होना ही जापानीज के लिए एक ओपन इन्विटेशन है अटैक करने के लिए तो जापान से बचाने के लिए इंडिया को जापानीज अटैक से बचाने के लिए और इंडियन इकोनॉमी को ट्रैक मिलाने के लिए गांधी जी ने सोचा कि अब क्या है कि बिना किसी डिले के एक मास मोमेंट जो है वो स्टार्ट करना चाहिए इसलिए जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जब मीटिंग हुई वर्धा में तो वहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास किया गया जिसका नाम था वर्धा रिजोल्यूशन या फिर इसे पॉपुलरली नोनस क्विट इंडिया रेजोल्यूशन इसे ही क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है इस क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन के अंतर्गत इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि ये मास मोमेंट जो है वो स्टार्ट किया जाएगा अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी अब क्या था सभी लोग इससे सहमत नहीं थे जो लोग अपोज रहे थे उसमें एक मेन नाम है सी गोपालाचार्य वो जो थे वो इसके पक्ष में नहीं थे उन्हें लगा कि अगर इस टाइम पे अगर हम ब्रिटिशर्स को अपोज करते हैं तो इससे हो सकता है कि वो इस वॉर में और भी वीक हो जाएं और इंडिया को हो सकता है कि इंडिया की सिचुएशन जो है वो और भी बदतर हो जाए तो इस वजह से जो ई सी को जा रही थे तो वो नहीं चाहते थे कि ये मास मूवमेंट जो है वो लॉन्च हो इसलिए उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन भी दे दिया उस अब देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो किस तरह से लॉन्च किया गया ऑन अगस्त 1942 फोटी टू गांधी जी कॉल द मीटिंग गांधी जी ने एक मीटिंग बुलाई एट ग्वालियर टैंक बॉम्बे बॉम्बे में एक टैंक है ग्वालियर टैंक वहाँ पे इन्होंने लोगों को एकत्र किया उसके बाद इसी के बाद ग्वालियर टैंक को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाने लगा ये अभी मुंबई में है थाउजेंड ऑफ़ पीपल गैदर्ड यहाँ पे काफ़ी लोग एक, कलेक्ट हुए और इस मीटिंग में ही गांधी जी ने ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया यहाँ पे उन्होंने अपना ये फेमस स्लोगन दिया डू और डाई मतलब कि करो या मरो गांधी जी ने अपने भाषण में ये जनता से प्रॉमिस किया कि इस बार किसी तरह का निगोशिएशन नहीं चलेगा किसी भी तरह से वायसराय से समझौता नहीं होगी क्योंकि गांधी जी ये डिसाइड कर चुके थे कि इस बार किसी भी बात पर सेटल नहीं किया जाएगा जब तक कम्प्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी तब तक वो नहीं रुकेंगे वाइल गिविंग द स्लोगन डू और डाई द पीपल ऑफ़ इंडिया गांधी जी अपील टू द पीपल ऑफ़ इंडिया दिस टाइम आइदर द पीपल ऑफ़ इंडिया गेट इंडिपेंडेंस और डाई इन एफर्ट ऑफ अचीविंग इट मतलब कि जब उन्होंने ये डू और डाई का नारा दिया तो उन्होंने ये साफ साफ लोगों को बता दिया कि या तो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाएंगे या फिर वो इस एफर्ट को करते करते ही अपनी जान दे देंगे इस तरह से इस स्लोगन का मीनिंग था गांधी जी ने इस आंदोलन को लेकर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए जैसे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो अपनी जॉब को नहीं छोड़े इनफैक्ट वो जॉब में रहते रहते ही कांग्रेस को सपोर्ट करें ओपनली ठीक है उसके बाद जो सोल्जर्स हैं वो भी अपनी जॉब ना छोड़े वो अपने पोस्ट पे बने रहे वो सिर्फ वहाँ पे अपोज करें जहाँ पे उन्हें अपने लोगों पे मतलब कि इंडियंस पे ही फायरिंग करने के लिए कहा जाता है उसके बाद जो पीजेंट एंड लॉन्ड लैंड लॉन्ड मतलब कि जो फार्मर्स हैं किसान हैं और जो ज़मींदार हैं वो भी रेवेन्यू ना पे करें गवर्नमेंट को इस तरह से उन्होंने तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए गांधी जी ने लोगों को ये भी कहा कि हो सकता है कि इस मोमेंट के दौरान सारे लीडर्स को कैद कर लिया जाए सारे लीडर्स को जेल हो जाए तो वो अपना लीडरशिप है वो लोगों तक ना पहुंचा सकें तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करें कि पीपल वेयर एक्सपेक्टेड टू डिसाइड टू देयर ओन मतलब कि लोग इस समय अपने आप को इंडिपेंडेंट समझ लगे और अपना नेतृत्व जो है वो खुद करें और अपने आप को एक फ्री सिटीज़न की तरह मान कर उन्हें जो सही लगता है वो उस टाइम पे वो करें इसके बाद देखते हैं ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उसका प्रोग्रेस किस तरह से हुआ जैसे ही गांधी जी ने ये स्पीच दिया उसके बाद जितने भी कांग्रेस के मेन लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया गया उसके बाद जो गांधी जी के दो फेमस न्यूज़पेपर्स थे हरिजन एंड नेशनल हेराल्ड इन दोनों को बंद करा दिया गया बाकी जो न्यूज़पेपर्स थे उनका जो बैन था वो कुछ समय बाद हटा दिया गया बट गांधी जी के जो न्यूज़पेपर्स थे वो पूरे मूवमेंट के दौरान ही बंद रहे थे उसके बाद सिक्स टू सेवन वीक्स के अंतर्गत ही ये जो मूवमेंट था वो काफ़ी पीक पे पहुंच चुका था डिफरेंट पार्ट्स कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स से लोग इसमें ज्वाइन हो रहे थे उसके बाद काफ़ी ऐसे केसेस आए जहाँ पे वॉयलेंस किया गया जैसे कि कहीं कहीं पे आग लगा दिया गया इस तरह के केसेस भी आए क्योंकि उस टाइम पर कोई भी लीडर जो था सब जेल पर थे तो इस वजह से कोई भी इस मूवमेंट को लीड नहीं कर रहा था इस वजह से ये सारे केसेस हुए काफ़ी लोगों ने इस मूवमेंट में ज्वाइन किया अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इस मोमेंट के मेजर हाइलाइट्स क्या है मेजर पॉइंट्स क्या हैं काफ़ी सारे प्लेसेस में इंडियन फ्लैग जो था उसे होस्ट किया गया मतलब फहराया गया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में उसके बाद जो क्राउड थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसे ब्रेक करना चाह रही थी जैसे कि जहाँ जहाँ पे टेलीफोन सिस्टम के फ़ोन थे वायर से उन्हें तोड़ दिया गया उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे पूरी तरह से डिस्टर्प्ट कर दिया गया उसके बाद कई जगह पे पैरलर गवर्नमेंट सेटअप कर दी गई वहाँ के जो लोग थे लोकल उन्होंने अपने आप को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और वो अपनी ही चलाने लगे स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने स्कूल एंड कॉलेजेस का त्याग किया इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द पैम्पलेट्स एंड जागरूकता फैलाने में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था स्टूडेंट्स का उसके बाद अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ भी की गई जैसे कि जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट लीडर्स थे कांग्रेस के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया उसके बाद अंडरग्राउंड एक्टिविटी वहाँ पे प्लानिंग एंड इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इस बारे में डिस्कशन किया गया इसमें रेडियो का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था क्योंकि इसी से एक जगह से जो दूसरे जगह संदेश भेजा जाता था उसके बाद देखिए कि जब सारे मेजर लीडर्स जो थे वो अरेस्ट हो गए तो उसके बाद काफ़ी नए लीडर्स जो थे वो सामने आए जैसे कि राम मनोहर लोहिया सुजेता कृपलानी ये सारे इंपॉर्टेंट नेम्स है जो न्यू लीडर्स सामने आए इस मूवमेंट के दौरान उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इस मूवमेंट को सपरेट करना चाहते थे इसके लिए उन्होंने गांधी जी को प्रेशराइज़ करना स्टार्ट कर दिया उन पर प्रेशर क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया कि वो इस वॉइलेंस को इस मूवमेंट को रोकें तो इसमें क्या हुआ कि अगस्त 1943 में गांधी जी ने 21 दिनों का फास्ट रखा ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्ज फोर्सिंग हिम क्योंकि वो उन्हें फ़ोर्स कर रही थी बट दिस टाइम गांधी जी डिड नॉट करने मतलब कि इस बार क्या हुआ कि वो बिल्कुल नहीं झुके और वो बिल्कुल इस मूवमेंट को रोकने के पक्ष में नहीं थे गांधी जी सेट दैट ऑन गोइंग वायलेंस इज जस्ट द रिएक्शन ऑफ लार्जर वायलेंस डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये जो वायलेंस हो रहा है वो सिर्फ उनके ही करने का नतीजा है गांधी जी के फास्ट रखने से इस मोमेंट में एक नई एनर्जी आ गई काफ़ी जगह स्ट्राइक हुए इस चीज़ को लेके कि गांधी जी की हेल्थ जो थी इस वजह से काफ़ी बिगड़ने लगी थी लोगों को उनकी चिंता सताने लगी जो इंडिया एंड अब्रॉड में थे वो लोग भी गवर्नमेंट को मेल भेजने लगे कि गांधी जी को रिहा किया जाए फाइनली उन्हें सिक्स मई 1944 को गांधी जी को रिलीज़ किया मेडिकल ग्राउंड्स पे मतलब कि मेडिकल रीजन से उन्हें रिलीज़ किया गया जेल से अब देखते हैं इस मूवमेंट का रिजल्ट क्या हुआ इस मूवमेंट के आउटकम क्या हुआ कि जैसे ही गांधी जी जेल के बाहर आए ये मोमेंट जो था वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया फाइनली इन जून 1945 लॉर्ड वेवल जो थे वो एक प्लान लेके आए जिसका नाम था वेवेल प्लान इसमें भी एक ऑगस्ट ऑफ और क्रिप्स मिशन की तरह कुछ प्रोविजंस थे जो इंडिया को ऑफर किया गया था अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है तो इस वजह से अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अदरवाइज़ आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब ये वेवेल प्लान आया तो उसी टाइम पर क्विट इंडिया जो मूवमेंट है वो फाइनली फॉर्मली जो था वो एंड हुआ इसके बाद हम क्विट इंडिया मूवमेंट को छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में इस दौरान पे क्या क्या हुआ था तो ये जो वर्धा सेशन था उसे छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ला घनश्याम सिंह गुप्त बैरिस्टर छेदीलाल महंत लक्ष्मी नारायण एवं यति यत्न लाल ने छत्तीसगढ़ से इसे अटेंड किया था इस रिजोल्यूशन के पास होने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे जब वो वापस लौट रहे थे तो जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उन्हें मलकापुर में अरेस्ट कर लिया गया था ये छत्तीसगढ़ के जितने भी लीडर्स थे उन्हें मलकापुर के पास अरेस्ट कर लिया गया था इससे पब्लिक जो थी वो काफ़ी नाराज़ हुई जितने भी स्कूल कॉलेजेस, मार्केट्स हैं सबको बंद रखा गया 9 अगस्त को 9 अगस्त को ही इन्हें गिरफ्तार किया गया था उस दिन सारे स्कूल कॉलेजेस सारे सब बंद थे क्राउड नियर सिटी कोतवाली वे और डिस्पोज्ड बाय फायरिंग मतलब लोग जो थे इकट्ठे हो गए तो उन्हें फायरिंग करके वहाँ से हटाया गया इसके बाद रणवीर शास्त्री के द्वारा एक जुलूस निकाला गया जिसकी वजह से दस अगस्त को उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया इसी तरह से ये जो मूवमेंट था आंदोलन था क्विट इंडिया मूवमेंट ये बाकी सिटीज में भी चलता रहा लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे रायपुर कॉन्स्पिरेसी केस जिसे हिंदी में कहते हैं रायपुर षडयंत्र केस इसका जो मेन उद्देश्य था मेन जो इंपॉर्टेंट इसमें था वो ये था कि इस कॉन्स्पिरेसी केस के अंतर्गत विस्फोटक सामग्री और बम वगैरह जो थे वो बनाए गए थे इसके जो मेन लीडर थे उनका नाम था परस राम सोनी जो कि अवध्यापायर रायपुर के निवासी थे उन्होंने पिस्टॉल बनाना रिवॉल्वर बनाना ये सारी चीजें जो थी वो सीख रखी थी और किससे सीखी थी गिरीलाल लोहार जिनसे सीखी थी उनका नाम था गिरीलाल लोहार उन्होंने बॉम्ब्स बनाना भी सीख रखा था उसके बाद उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई बट इसका भी सॉल्यूशन निकला काफ़ी लोग हेल्प के लिए सामने आए जैसे कि जो रेलवे ट्रॉली मेकर थे बंगाल नागपुर रेलवे के जो ट्रॉली मेकर थे उन्होंने इनकी स्टील की रिक्वायरमेंट पूरी की उसके बाद जब उन्हें केमिकल्स चाहिए होते थे तो जो सी मेडिकल स्टोर के ऑनर थे होरीलाल उन्होंने इनकी हेल्प की और जो काफ़ी बिजनेसमैन थे रायपुर के उन्होंने भी इनकी हेल्प की ईदगाह भाटा एंड रावन भाटा वे चूज़ टू कीप द दिपन्स मतलब कि इस इन वेपन्स को स्टोर करने के लिए रखने के लिए इन जगहों का सिलेक्शन किया गया यहाँ पे उन्हें रखा गया उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि एक जो बॉम्ब था वो एक्सीडेंटली मतलब गलती से वहाँ पे विस्फोट हो जाने के कारण जो वहाँ और राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन्होंने जब इसकी आवाज़ सुनी तो उन्होंने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा दी तो इस वजह से क्या हुआ कि उन्हें अब प्लेस चेंज करना था पुलिस कम्प्लेंट के बाद ओरिएंटल होटल के मालिक ने उन्हें स्पेस प्रोवाइड की इस काम के लिए उसके बाद कुछ और लीडर्स जो थे वो उस कॉन्स्परेसी में शामिल थे जिनका नाम मेंशन किया जाता है श्री रणवीर शास्त्री सुधीर मुखर्जी ये सारे नाम हैं उन लीडर्स के जो इस कॉन्स्परेसी में शामिल थे उसी टाइम पे एक पुलिस का इन्फॉर्मर था शिवनंदन उन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन कि परसराम सोनी और ये सारे जो काम की इन्फॉर्मेशन है इसे पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया इस वजह से परसराम सोनी जो थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया विथ फुली लोडेड रिवॉल्वर उन्हें रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया जब वो सदर बाज़ार से एडवर्ड रोड की तरफ जा रहे थे उसके बाद उनके घर की तलाशी ली गई वहाँ पे भी कई एक्सप्लोजिव एंड इलीगल मटेरियल्स जो थे वहाँ पे बरामद हुए उसके बाद गिरीलाल लोहार एवं जो उनके साथ और भी लोग थे उनके भी उनका भी पता चल गया धीरे धीरे करके तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया उन सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया उसके बाद नौ महीने तक कार्यवाही चली जिसके बाद ट्वेंटी सेवन्थ अप्रैल नाइनटीन फोर्टी थ्री को सभी को सज़ा हुई जैसे गिरीलाल लोहार जो थे उन्हें आठ साल की सज़ा हुई परसराम सोनी जो थी उन्हें सात साल की सजा हुई सुधीर मुखर्जी थे उन्हें दो साल की सज़ा हुई इस तरह से सभी को अलग अलग तरह से सज़ा दी गई उसके बाद क्या हुआ कि द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज व रायपुर वॉज चैलेंज टू इन नागपुर हाई कोर्ट मतलब कि नागपुर का जो हाई कोर्ट था उसमें इस डिसीजन को चैलेंज किया गया उसके बाद जो वहाँ जस्टिस नियोगी थे उन्होंने दस में से चार लोगों को छोड़ दिया ठीक है दस में से चार लोगों को छोड़ दिया उसके बाद मिस्टर जयदेव कपूर फ्रेंड ऑफ सरदार भगत सिंह केम टू रायपुर एंड ही वॉज ऑनर्ड इन अ पब्लिक मीटिंग एट गांधी चौक उसके बाद इन पब्लिक मीटिंग अ रिजोल्यूशन वॉज पास टू द गवर्नमेंट मतलब ये जो रिजोल्यूशन था इसमें क्या था कि परसराम सोनी और गिरीलाल लोहार को छोड़ने के लिए ये रिजोल्यूशन पास किया गया था चीफ मिनिस्टर रविशंकर शुक्ला ने उनकी ये बात मान ली और फाइनली ये जो परसराम सोनी थे और गिरीलाल थे इन्हें 26 जून 1946 को छोड़ दिया गया रायपुर डायनामाइट केस इस केस के जो लीडर थे उनका नाम था बिलक नारायण अग्रवाल उनके पास ये एक्सप्लोजिव था इस प्लान के दौरान क्या होने वाला था इस केस के अंतर्गत कि जो रायपुर जेल की दीवार है वहाँ एक विस्फोट करने वाले थे जिसके बाद जिस इस विस्फोट को करने का रीज़न ये था कि वो लोग जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जितने भी लीडर्स को कैद कर लिया गया है जेल में उन्हें छुड़ाना था इसका रीज़न इस विस्फोट करने का रीज़न उसमें उनके कई साथी भी थे जैसे कि ईश्वरी चरण शुक्ला नागरदास बवरिया सुधीर मुखर्जी जयनारायण पांडे ये सारे जो थे इनके सहयोगी थे उसके बाद क्या हुआ डायनामाइट को उस वॉल में रखा गया उसके बाद उसे जलाया गया अब क्या हुआ कि जब ये स्फोट हुआ तो उससे सिर्फ काफ़ी माइनर डैमेज हुआ जो वॉल थी उसे माइनर डैमेज हुआ इस वजह से क्या हुआ कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छुड़ा नहीं पाए इसके बाद जितने भी कॉन्स्परेटर थे सबको अरेस्ट कर लिया गया पर बाद में उन्हें लैक ऑफ़ एविडेंस के कारण उन्हें छोड़ दिया गया एविडेंस की कमी के कारण उन्हें छोड़ दिया गया उसके बाद ईश्वरी चरण शुक्ला एवं नारायण दास राठौर को फिर से अरेस्ट कर लिया गया 1944 में बिकॉज ऑफ कटिंग ऑफ वायर्स मतलब कि टेलीफोन के वायर्स को काटने के एवं लेटर बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने के जुर्म में उन्हें वापस से अरेस्ट कर लिया गया नाइनटीन में नेक्स्ट है इलेक्शन इन नाइनटीन फोर्टी इस टाइम पे 1946 में दोबारा से इलेक्शंस हुए जिसमें से 112 सीटों में कांग्रेस को 84 सीट मिली जिसमें रविशंकर शुक्ला जो थे वो चीफ मिनिस्टर बनाए गए द्वारिका प्रसाद मिश्रा जो थे वो होम मिनिस्टर बनाए गए घनश्याम गुप्ता इन्हें स्पीकर ऑफ विधानसभा बनाया गया राम गोपाल तिवारी को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया दिस गवर्नमेंट इमीडिएटली टुक एक्शन टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर जैसे ही गवर्नमेंट बनी इन्होंने सबसे पहला स्टेप जो था वो जितने पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाला गया था उन्हें रिलीज़ किया गया कैंसिलेशन ऑफ वारंट्स एंड रिटर्न ऑफ फाइन फाइनली इसके बाद क्या हुआ इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को इसके बाद कुछ अदर इवेंट्स के बारे में देखते हैं जो छत्तीसगढ़ में हुए थे इस टाइम पे सबसे पहला है उसमें फायर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 21 अगस्त 1942 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आग लगा दिया गया था इसमें जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था रघुनंदन सिंगरौल तो ये आपको याद रखना है इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबको याद रखना है उसके बाद है रायपुर विद्यार्थी प्रोसेसन मतलब कि रायपुर विद्यार्थी जुलूस तो ये कब किया गया था दस अगस्त नाइनटीन फोर्टी टू को इसमें के जो प्रमुख नेता थे लीडर थे उनका नाम है रणवीर सिंह शास्त्री ये इसके नेतृत्व करता थे तो इनका नाम भी याद रखना है छत्तीसगढ़ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक विशाल जुलूस निकाला जिसमें उन्होंने क्विट इंडिया मतलब कि भारत छोड़ो के नारे भी लगाए उसके बाद देखिए जो नागपुर हाई कोर्ट बिल्डिंग है वहाँ पर झंडा फहराया गया 9 अगस्त 1942 को इसके जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था ठाकुर था रामकृष्ण सिंह उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए बिलासपुर में भी एक जुलूस निकाला गया 2 अक्टूबर 1942 में इसके जो लीडर थे उनका नाम था भुवन भास्कर सिंह इसमें और भी कई नेता इन्वॉल्व थे जिनका नाम था रामचरण श्रीनिवास छोटेलाल जोगी मोहन सिंह इत्यादि इसके बाद देखिए पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस इन समोदा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ समोदा में सात से आठ दिसंबर 1946 में इसके लीडर थे खूब बघेल उसके बाद बिलासपुर स्टूडेंट वीक ये थर्टीन टू फिफ्टीन नाइनटीन में हुआ था इसके लीडर थे भुवन भास्कर सिंह उसके बाद जो लास्ट पॉइंट देखिए तहसील पॉलिटिक्स कॉन्फ्रेंस इन बे ये हुआ था 31 दिसंबर 1946 इसके लीडर थे मोहनलाल लाल तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनको सबको याद रखना है थैंक यू एवरी इस वीडियो में इतना ही यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री है वो एंड होती है ये इस वीडियो सीरीज़ का लास्ट लेक्चर था अगर आपको वीडियो पसंद आता है अगर आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल है तो इसे ज़रूर लाइक करें क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ लॉस हो नहीं रहा है इनफैक्ट इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है और मेरी वीडियो बनाने की फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ सकती है क्योंकि हर एक वीडियो का एक एनालिटिकल डाटा जो है वो स्टोर होता है तो जैसे कभी भी मैं चेक करती हूँ तो फॉर एग्जांपल दस मिनट की वीडियो है उसमें जो एवरेज वॉच ड्यूरेशन है वो हमेशा सिक्स सेवन इस तरह का मिनट्स होता है इट मीन्स आप लोग में से जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो पूरी वीडियो या फिर पाँच से छः मिनट वो देख रहे हैं तो अगर आप देख रहे हैं और अगर आपको यूज़फुल लग रहा है तो आप लाइक करें खैर ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोल रही हूँ बट जस्ट मेरे मन में ये बात थी तो इसलिए मैंने आप लोग से शेयर की थैंक यू एवरी